अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फेटोचिनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन ब्रेस्ट ले लेंगे 2 अदद, जिसको मैंने बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह से पंच कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, अदकुटी मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 3 टेबल स्पून, दही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप, नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। को कलर देने के लिए अब हम इसमें जर्दा रंग 1 चुटकी ऐड करेंगे, साथ ही साथ 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे और इससे फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से दोनों साइड से ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम सॉस रेडी करेंगे। ये मैदे वाली सॉस नहीं है, इसलिए हम इसमें ऑयल 1 टेबल स्पून और लहसुन के 4 जवे लेकर उसे क्रश करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें नेस्ले क्रीम का 1 पैकेट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम पतली हो जाएगी तो अब हम इसमें 2 ग्लास दूध के शामिल करेंगे। स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें है काली मिर्च 1 टीस्पून, अदकुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, ओरिगैनो लीव्स हम लेंगे इसमें 1 टीस्पून, अब हम इसमें ऐड करेंगे कनोर चिकन क्यूब 2 अदद, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप चीज़ शामिल करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं और मोज़रेला भी। मैं यहाँ चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। जब सॉस अच्छी तरह से पक जाएगी तो अब हम इसमें 1/2 कप ऑलिव्स शामिल करेंगे, ब्लैक ऑलिव्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ी या पतली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला पास्ता यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह 1 टीस्पून हम नमक और 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और हम इसे 98% तक बॉईल करेंगे। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे और चिकन का ब्रेस्ट पीस वैसे ही रख के उसको कटिंग करके सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।